गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है मैं कौन हूँ? सपने डेढ़ा। तो आज सुबह के बज रहे 10:30। मैंने प्लान किया, ब्लैंकेट्स में स्मेल आ रही थी, मैंने प्लान किया आज धो देते हैं। वैसे महीने में मतलब हर महीने धुलती है, तो मैंने ब्लैंकेट्स के लिए मशीन लगा ली। थोड़ा लेट हो गई, पूजा देवी आ गई। पूजा देवी मतलब काम वाली हमारी आ गई है। ये रही ब्लैंकेट्स जो मेरे को धोनी है। 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैंकेट्स है। एक भाई की, दो मम्मी, नहीं दो भाई की, मतलब भाई और सोनीदी की, एक मम्मी की और मीकू की, और दो हमारी। कुंज बिहारी की चल रही है मालिश। मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ इसके लिए? ये है ओली मीशा, इसमें 3-4 ऑयल मिक्स है। तो किचन का काम फ्री हो चुका है, किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन किचन का। बस अब रोटी बनानी रह रही है, वो मैं तभी बनाऊंगी जब खाएंगे गरम गरम। फिलहाल मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने मशीन लगा दी है और बढ़िया धूप निकल रही है। सुबह हो रही थी बारिश, मैं सुबह ही सोच रही थी मशीन लगाने की, बट हो रही थी बारिश तो सुबह नहीं लगाई। अब मम्मी जा रही है किराएदारों के पास किराया लेने। हेलो करो। मम्मी को कैमरा फेस करने में थोड़ी सी शर्म लगती है, मम्मी शाय है, मम्मी प्रैंक कर दी थी और ये बहुत शाय है। मम्मी सोच रही थी मैं क्या कर रही हूँ, फोन में गेरी कहाँ कर रही है। और हाँ, मेरे सूट पे ध्यान मत देना, बस बिल्कुल भी मेरे शक्ल पे ध्यान मत देना, बस ब्लॉग पे ध्यान देना। यार मैं क्या करूँ, मेरे यही हाथ लगता है तो मैं पहन लेती हूँ। बार बार सोचती हूँ जब भी मैं ब्लॉग शूट करूँगी मेरे को ये सूट नहीं पहनना। एक्चुअली बात यह है, मेरी वॉर्डरोब में ना गिनती के मुझे लगता है 12 सूट है जो फ़िलहाल मैं पहन रही हूँ, क्योंकि फिटिंग ही मतलब इनकी ही फिटिंग आ रही है, बाकी और कोई सूट मेरे को फिट नहीं आ रही। बाकी आज मेरे 10 सूट आ जाएंगे, जाएगी मम्मी शाम को लेने। तो 10 सूट आने के बाद मैं दिखाऊंगी कौन कौन से सूट, और डेली पहनूंगी अलग अलग सूट, उसके बाद ब्लॉग शूट करूंगी। और क्या कहते हो गाइस, सिंपल लग रही हूँ, बिंदी लिपस्टिक लगा लूँ, लगा लेती हूँ, है ना। देखो मैं बताती थी ना, हमारे सामने वेल्डिंग की दुकान है, बहुत शोर मचा के रखते हैं। तो गाइस मैं बिंदी लिपस्टिक लगा के आ रही हूँ, चलो मैं आपको पूजा दीदी से भी मिलवा दूँ। पूजा दीदी हेलो करो। इनका झाड़ू का काम हमने कर दिया था, तो ये हमारा डस्टिंग का काम कर दिया। लगा लिए बिंदी लिपस्टिक, चलो बाल भी खोल ही लेती हूँ, ठीक है। मैसी हो रहे हैं, मैसी हेयर्स, मैसी टी। सारे टॉयज फैला रखे हैं। रियल स्ट्रगल इज, ये भी रो रही है, मशीन भी लग रही है और भी रो रहा है। देख रहे हो क्या सा मालूम है। दोपहर के 12:30 बजे, इतनी धूप है, हमें कपड़े सुखाने आए, कपड़े नहीं ब्लैंकेट, देखो कितनी धूप है। तो हम गए थे आज ऊपर हमारे हॉल में, मैं आपको बता दूँ, एक आंगनवाड़ी वाले लोग रहते हैं और वो एनजीओ के लिए भी काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं कपड़े वपड़े वॉश करने के बाद, खाना खाने के बाद वहाँ पे गई थी। आगे देखो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने नहीं वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कुछ मीटिंग रखी गई थी एनजीओ से ऐड लोगों की। प्रथम एनजीओ इज़ वर्किंग फॉर अनएजुकेटेड किड्स, जो कि मतलब पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये वर्क करता है, उनको ये फ्री में एजुकेशन देता है, जिससे कि वो स्कूल जाए, उनका स्कूल में एडमिशन हो तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो पहले से ही मान लो कोई आंगनवाड़ी लोगों ने मेरे को दिया एक समोसा, एक फ्रूटी, और यहाँ पे दादी को कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे ये पोजर बिना पोज दिए रह नहीं सकती। और अब मैं भी जा रही हूँ, पहले भी लाइट ऑन करूँगी,
ड्रेसिंग टेबल की लाइट। गुड नाइट गाइस, जम करने जा रहे हैं मी को दीदी के साथ। शैतानी ले कुंजी, ले 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 पकड़, ले पकड़ पकड़ कुंजी। ए ए ए ए मी को दीदी मी को मैंने नहीं किया, कुंजू ने किया, कुंजू ने, कुंजू ने तेरी नोजी में मेकअप दे दिया देख। मुंह में मध्य से नोजी में दे दिया ये आपकी। दीदी कर रही है कुंज बिहारी के साथ प्रैंक। बदला लिया जा रहा, बदला। ओ बेटे मीको, हाँ ये उसकी है पागल। अब मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, इधर देख, मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, मैं मीकू की मम्मा हूँ। हाजरा मीकू, मीकू आप कैमरे को कुछ कहना चाहोगे? बोलो, तेज बोलो। आज मुझसे मिलने आए हर्षु भाई। आपका एक गुड नेम सर? नहीं गुड नेम, गुल्लू तो आपका निक नेम है। कुलदीप डेडा। और मैं इसके लिए बना रही हूँ ठंडाई। किसी को मुझसे प्यार हो ना हो, मेरे भाइयों को बहुत है, मिलने आते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आते हैं। ना भाई साहब से तगड़ा ना, ऑब्वियसली यार मेरा भाई है तगड़ा तो होएगा, भाई साहब से क्या तो सबसे तगड़ा। Shut up you bloody boy. तो तूने सब्सक्राइब कर दिया? खाई माँ कसम, मेरे फोन में होगी ना। क्या गूगल अकाउंट है ना? दिखा तू फोन, दिखा अपना यूट्यूब, दिखा यूट्यूब। मैं दिखा रहा हूँ ना। और ये ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए गूगल अकाउंट डालकर। गूगल अकाउंट है ही ना मेरा। अपना नंबर डाल दीजिए 7827, क्या नंबर है तेरा? 49 गर्ल्स। मैं इसका नंबर डाल रही हूँ, जिसको भी लड़का पसंद आया हो फोन कर लेना। अरे मैं हाइड कर दूँगी, टेंशन मत ले। अच्छा क्रिएट होएगा। सो गाइस रात के बज रहे हैं 11 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने सारे रूम की बेडशीट चेंज करी थी, आज मशीन लगी थी, कल भी मशीन लगेगी, कल धुलेगी सारी बेडशीट। मैंने ये रूम भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है, मैंने चारों बेडरूम्स की बेडशीट चेंज कर दिया है। सारे बेड की, चार बेड हैं, चारों बेडों की बेडशीट चेंज कर दिया है। सोफे कवर, मतलब मैंने पूरा घर सेट कर दिया। वो देखो लॉन्ड्री के कपड़े, किचन मेरी एकदम क्लीन हो चुकी है, बस मेरा खाना रखा है, वो मुझे खाना है। और दी का कमरा भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया है, और अपना रूम भी एकदम क्लीन कर दिया है। वहाँ पे चल रही है दादी बेटे की मस्ती, हंस रहा है, अरे रुक जा। और बस अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी एक घंटे बाद बनाऊंगी मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के बाद पी के मैं और मम्मी सो जाएंगे। मैं और मम्मी हैं वैसे, आज रात को आ जाएंगे डेढ़ा जी आ जाएंगे, शायद उन्हें आते आते 2 बज जाए। कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मतलब सारा काम फिनिश हो गया। एक मिनट फिर बात करूँगी, मतलब कितनी अच्छी फीलिंग आती है, सारा काम फिनिश हो गया, घर एकदम क्लीन, मतलब हर चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे है, किचन क्लीन, और बस लेटना है। ऐसे मतलब ऐसे होता है कि ऐसा करने के बाद ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ
मेरा काम फिनिश है। अब मैं मेरे को कुछ नहीं कह रहा, मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए सब, मतलब सारा काम मेरा हो चुका है आज का जो भी था। बस अब जैसे मैंने सेट किया ये सुबह वैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मुझे पता है चारों बेड ख़राब मिलेंगे। चारों बेड मतलब भाई अपने रूम में सोएंगे, एक सेकेंड, भाई अपने रूम में सोएंगे, मैं अपने रूम में सोऊंगी, मम्मी मेरे को इस रूम में सोती है, पर मम्मी सुबह उठ के इस बेड पे आ जाती है, सुबह उठ के इस बेड पे आ जाती है तो ये बेड भी ख़राब हो जाता है। फिर मेरे को सुबह उठ के फिर से ये सब करना पड़ता है। मैं रात को इसलिए करके सोती हूँ कि कल शायद सब साफ मिले। अभी हम 3 दिन से डेढ़ा जी नहीं थे, भाई नहीं थे, तो हम लोग, मैं मम्मी और मेरे को एक ही रूम में सो रहे थे, तो बाकी सब क्लीन रहता था सुबह तक। अच्छा चलो कुंजर हो रहा है, मैं ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड बाय। Good night, everyone.